हेलो, गुड मॉर्निंग सुप्रभा, नमस्कार। ट्रेडिशनल पहाड़ी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। एक नए दिन की शुरुआत करते हैं एक नए और शानदार ब्लॉग के साथ। जैसा कि हम लोग गुजरात आए हैं, तो आज का जो ब्लॉग है वो है गुजरात से। अभी बजे हैं सुबह के 10, पता ही नहीं चलता यहाँ हमारे यहाँ तो 10 बजे तक कितने काम हो जाते। थोड़ी देर पहले ही हम लोग उठे हैं क्योंकि कल बहुत लेट हो गया था सोने तक, सोते सोते। और तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में, आज दिन भर में क्या क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगी। आज हमने बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल से खाना बना रखा है। इसमें मैं बना रही हूँ आलू और टमाटर की सब्जी। इसमें मैंने बनाई है पट्टे की चुड़कानी, उबल रही है और हमारा भात बन के तैयार हो गया है। अब मैंने आटा भी गूंद दिया है, आटा मैंने ढक रखा है। इसमें हम बनाएंगे रोटी। ये देखिए, मेरी बहन नेचर लवर है और उसने अपने रूम में ये लगा रखा है प्लांट, और मैं आपको दूसरा प्लांट भी दिखाती हूँ। ये है इसका दूसरा प्लांट, ये इसका बैठक रूम है। ये देखिए, हमारा खाना हो गया है रेडी, बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में खाएंगे आज हम खाना। मुझे जैकेट वैकेट पहननी पड़ती। कोई नहीं, पहननी है जैकेट। हम लोग दिन भर आज सोए रह गए क्योंकि हमने थकान मिटाई। अब हम जा रहे हैं बाहर, तो आपको दिखाएंगे बाहर का व्यू। आए अभी सब्जी खरीदने स्टोर में, स्प्रिंग अनियंस। ये क्या है? ये वो है पिड़ालू की लीफ पत्ती, पिड़ो पत्याल करी लीफ। ये स्टोर में हम आए हैं तो हम लेंगे हरी सब्जी। इसमें तो सोया भी पड़ेगा ना, नहीं तो तो भाई। ये तोड़े हैं यहाँ, तोड़े भी मिलते हैं और शकरकंद। हाँ, तो ये है ड्रैगन फ्रूट, यहाँ पे सारे फ्रूट्स हैं। तो यहाँ पे है हेयर ऑयल, यहाँ पे है चॉकलेट, यहाँ पे वेट नापने के लिए, यहाँ पे पल्सेस, शुगर, राइस, आटा सब है। यहाँ पे है जूस और मैं इनमें से ले रही हूँ कोक। यहाँ पे हो रही है पेमेंट। हमारे पहाड़ों में तो आइसक्रीम आजकल मिलती नहीं, पर यहाँ देखो आइसक्रीम मिल रही है। हर जगह का अलग अलग कल्चर होता है, तो यहाँ का जो कल्चर है उसमें यह है कि अगर आप सब्जी ले रहे हैं तो यहाँ पे टैगिंग वहाँ पे होती है और बिलिंग एक साथ होती है। तो हर दुकान का, हर शहर का अलग अलग कल्चर है। तो यहाँ का कल्चर बड़ा अच्छा लगा। और जो यूज़ वाली पॉलिथीन है, जिसको यूज़ करना है वही हर कॉर्नर पर लगे हुए हैं, तो उसका यूज़ हम कर रहे हैं। भैया ने की बिलिंग और बहुत ही अच्छा बिहेव है भैया का। भैया गुजराती में कुछ बोल दो, गुजराती में कुछ बोल दीजिए। आप इधर गुजराती में, हाँ, ये शॉपिंग करवा आए, ये बदल आपनो आभार, आपनी सेवा करवानो हमने मौको आप, ये बदल पर आपको खूब खूब आभार, थैंक यू। हाँ, अच्छा मोटेला में अब चलेंगे वहाँ, और हम लोग आ रहे हैं शॉपिंग करके। अब हम नारियल पानी पीते हैं, गुजरात में आके जब हम नारियल पानी नहीं पीते हैं तो फिर गुजरात आने को कोई फायदा नहीं है। ये भाई का ट्रेन नारियल, और हम पियेंगे अब नारियल पानी यहाँ पे। देखिए कितना ताज़ा ताज़ा मिलता है, हमारे यहाँ आता तो है नारियल लेकिन वहाँ पहुँचने तक बासी हो जाता है। तो ये है नारियल, नारियल पानी जो है लीवर को डिटॉक्सीफाई करता है। यानी नारियल पानी जब हम पीते हैं तो लीवर में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं, तो बहुत यूज़फुल होता है हमारे हेल्थ के लिए। यदि आपको मौका मिल रहा है नारियल पानी पीने का तो आप ज़रूर नारियल पानी पीजिए। नारियल पानी का लुत्फ उठाते हुए मिस्टर दीपक मिस्टर जी तू ले लेना पहले, अब मैं लास्ट में पीऊँगी। ये हम सब पी रहे हैं नारियल पानी यहाँ पे। अब पीते हैं हम यहाँ की स्पेशल चाय, कड़क कड़क। यहाँ पे नीम का पेड़
औषधि तत्वों से भरपूर नीम, तो हम इसको ले जाएंगे नीम और इस पे अपनी सोसाइटी में उपासना भी आ गई ऑफिस से। यहाँ देखो काफी ग्रीनरी है, बहुत सारे छोटे 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 प्लांट लगे हुए हैं। बन चुकी है, आज हमने बना रखी है आलू और गोभी की सब्जी, ये तैयार है। और मैं बना रही हूँ आज प्याज और धनिया का रायता। हम लाए थे अमूल की दही, बहुत गाढ़ी है, अब खाने में पता नहीं कैसा होता। अभी हम बाहर घूमने जाने वाले हैं तो मैं इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, अगर नमक डाल लेते हो तो फिर ये पानी छोड़ देगा, मतलब बहुत ही रायता फैलाने वाला रायता हो जाएगा। तो हम इसको अभी ऐसे रख के जाएंगे, आके फिर बनाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे सीधे आप डिनर में या फिर बाहर का भी दिखाएंगे। फाइनली आज उपासना के यहाँ पे लग गया है लिप्योर पानी के लिए। अब इसको पानी खरीदना नहीं पड़ेगा, ये यहीं पे प्यूरिफाई करेगा जिस पे अभी लगाई है। रस्ती यहाँ पे जमा रही है, अब सब कुछ खरीद लिया है उसने, रस्ती का पूरा सामान। अब एक दिन इसके घर का रिव्यू करेंगे हम। लोग आए अभी रात को घूमने के लिए, क्योंकि दिन में तो यहाँ बहुत गर्मी है। तो अभी हम आज हमारी फर्स्ट दिन की, जितना भी हम घूमे हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अभी हम आए हैं वेस्ट साइड पे, देखते हैं यहाँ से क्या क्या शॉपिंग करते हैं, घूमने का मतलब शॉपिंग। गाइस हमने कर ली कुछ बहुत शॉपिंग और हम जा रहे हैं दूसरी जगह, और ये है अहमदाबाद शहर का व्यू, रात का व्यू। सब बिजी हैं, अब हम खाते हैं खाना। तो यही रही आज की मेरी दिनचर्या। यदि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।